देख रहे हैं सहरसा एक्सप्रेस। खबर सहरसा से है, जहां जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के कानू टोला स्थित मंदिर के प्रांगण में छेदी साह की अध्यक्षता में 48 घंटे रामधुनी अष्टयाम महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 151 कुमारी कन्याओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। वहीं इस महायज्ञ का उद्घाटन नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि हस्सान आलम, उप सभापति प्रतिनिधि विकास कुमार उर्फ विक्की एवं अध्यक्ष छेदी साह, उपाध्यक्ष जय नारायण पोद्दार, रामशरण बड़ी, सचिव जगदीश साह, दिनेश गिरजानंद भारती सहित ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। जानकारी के अनुसार इस 3 दिवसीय संस्कृति कार्यक्रम रामधुनी अष्टयाम में भाग लेने वाले कीर्तन मंडली नेपाल की महिला मंडली मनोज मानस खगड़िया मंडली, हेयो मनोज कुमार की मंडली सहित स्थानीय मंडली भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। द्वारा कलश यात्रा निकाली गई है अष्टयाम महायज्ञ का, 151 कन्याओं के द्वारा भाग लिया गया। कितने दिवस का है प्रोग्राम? 3 दिवसीय है। कहाँ कहाँ का ये मंडली यहाँ पहुँच रहे हैं? यहाँ पे सबसे पहला तो है नेपाल की महिला मंडली है, काफ़ी अच्छी है, और दूसरा मनोज तिवारी जी खगड़िया के हैं, वो भी अच्छे मंडली के संचालन करते हैं, और तीसरा है मनोज जी हरियो से हैं, उनका गायन। अष्टयाम महायज्ञ का आयोजन किया गया है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हर हाथी की तरह इस वर्ष भी श्री श्री 108 अष्टयाम यज्ञ का आयोजन रखा गया है। मैं तमाम ग्रामवासियों से आग्रह करता हूं इस यज्ञ में आकर के अपना भाग लें। और खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।